नहीं थमेगा अभी भारी बारिश का दौर। देश के इन क्षेत्रों में जारी हुई भारी बारिश की चेतावनी। दोस्तों स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया न्यूज़ में। मैं हूं आपका दोस्त नवीन शर्मा। हम बात कर रहे हैं मौसम विभाग के ताज़ा अपडेट की। मौसम विभाग ने ताज़ा बुलेटिन में अपडेट जारी किया है कि देश के इन क्षेत्रों में अभी भी जारी रहेगी भारी बारिश। चलिए जान लेते हैं इस लेटेस्ट अपडेट को विस्तार से। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे कि अपडेट रहें आप देश की सभी कैटेगरी के अपडेट एवं अलर्ट खबरों से। दोस्तों भारतीय मौसम विभाग IMD ने गुरुवार को भविष्यवाणी की है कि तमिलनाडु, केरल, दक्षिण कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में आज भी भारी वर्षा होने की संभावनाएं हैं। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी ने यह भी भविष्यवाणी की है कि आंध्र प्रदेश, राजस्थान और बिहार के कई क्षेत्रों में भी पूरे दिन भारी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है और वज्रपात के साथ ही उत्तराखंड, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में भी होने की संभावनाएं हैं आज भारी बारिश। यह IMD ने अपने अखिल भारतीय मौसम चेतावनी बुलेटिन में जारी किया है। दिल्ली में आमतौर पर मध्यम तापमान और बादल छाए रहेंगे और गड़गड़ाहट या बिजली कड़कने की संभावनाएं भी बनी हुई है। क्षेत्र में तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावनाएं हैं। बता दें कि 2 अक्टूबर को मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों का ब्यौरा भी जारी किया था और आने वाले दिनों में कुछ ऐसा रहेगा मौसम। भारी बारिश के कारण इस समय बिहार राज्य में बाढ़ से जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं मौसम विभाग द्वारा बताया गया है कि 3 अक्टूबर को बिहार और उड़ीसा के मौसम में बदलाव होने की संभावनाएं हैं। मौसम विभाग के अनुसार यहां गरज के साथ हल्की बारिश पड़ने की संभावनाएं हैं। बता दें कि बिहार में बाढ़ के बाद बारिश रुकने से थोड़ी राहत मिली थी। 4 अक्टूबर का कैसा रहेगा मौसम? मौसम विभाग के अनुसार 4 अक्टूबर 2019 को असम, मेघालय, पांडुचेरी, कराईकल और तमिलनाडु में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावनाएं हैं। वहीं 5 अक्टूबर के लिए मौसम विभाग ने किसी भी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया है। इस साल मानसून के बिगड़े मिजाज से देश में जान माल का भारी नुकसान हुआ है। कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ से हालात बेहाल है। बिहार की राजधानी पटना में भी जलभराव से त्राहिमाम मचा हुआ है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में हालात बद से बदतर है और मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इस मानसूनी बारिश ने देश में बीते 25 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बारिश ने इस देश में कुल 14 राज्य प्रभावित हुए हैं। इन राज्यों में इस साल 1,685 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं मानसूनी बारिश के चलते हादसों में हुई है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 377, पश्चिम बंगाल में 225, मध्य प्रदेश में 180 और गुजरात में 150, बिहार में 130, कर्नाटक में 105 लोगों की मौत बारिश और बाढ़ से हुई है। जल जमाव के बीच फिर भारी बारिश का अलर्ट। भारी जल जमाव से जूझ रहे पटना के सामने फिर नई मुसीबत खड़ी हो गई है। पुनपुन नदी पर बना रिंग बांध टूट गया है। नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने का सिलसिला जारी है तो पटना पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। उधर मौसम विभाग ने पटना सहित राज्य के 5 जिलों में गुरुवार और शुक्रवार के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। तो दोस्तों इन क्षेत्रों के लोग सावधान रहें, सतर्क रहें। साथ ही वीडियो को आप अधिक अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें ताकि सब लोग जान सके इस लेटेस्ट अपडेट को, रह सके सावधान और सतर्क।